नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पूर्वासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं तु देहि मे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्रीमद् गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। बहुत ही एक गंभीर प्रश्न है, द्विज जातियों के लिए अत्यंत आवश्यक है और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में तो द्विज जातियों के लिए या द्विजातियों के लिए अत्यंत ही आवश्यक है और बड़ा ही महत्वपूर्ण सर्वोपयोगी समझिएगा, ऐसा हो गया है माहौल। एक रिधम पंड्या जी हैं, औदीच्य ब्राह्मण, झालावाड़ी, गुजरात राजकोट से, उनका प्रश्न है। वे कह रहे हैं कि सादर प्रणाम आचार्य, ऐसे बहुत से ब्राह्मण हैं जिनको अपनी वेद शाखा ढूंढने पर भी नहीं मिल सकी, तो उनको अपनी शाखा का ज्ञान न होने के कारण वे क्या करें? जिन ब्राह्मणों को अपनी वेद की शाखा का पता नहीं है तो वे किस शाखा का अवलंबन लें, किस शाखा के अनुसार अपने संस्कार आदि कर्म करें, ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए, जिन ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और वैश्यों को अपने वेद की शाखा का ज्ञान नहीं है, अपने वेद का ज्ञान नहीं है, अपना गोत्र ज्ञान नहीं है, मुख्य बात तो यह है कि लोगों को अपना गोत्र ही ज्ञान नहीं है। जब गोत्र ही नहीं पता तो शाखा शिखा और वेद तो बाद की बात है, प्रवर तो और भी कठिन है। तो गोत्र प्रवर जिनको अपना नहीं पता हुआ है, ऐसे लोग क्या करें? जिनको शाखा नहीं पता है वे क्या करें? किस शाखा के अनुसार अपने संस्कार करवाएं, किस शाखा के अनुसार अपना जो है अंत्यकर्म इत्यादि करें, किस शाखा के अनुसार विवाह आदि संबंध गोत्र प्रवर मिलाएं, संकल्प इत्यादि में नित्य प्रति क्या शाखा गोत्र बोलें? ये समस्या आम समस्या है, माने बहुत लोगों को समस्या है। इसका समाधान धर्म सिंधु ग्रंथ में दिया गया है। देखिए, कारण ये है कि ऐसी स्थिति बड़ी दयनीय है, विचारणीय है और यूं कहें तो हास्यास्पद भी है कि लोग अपने गोत्र का ही विस्मरण कर बैठे, शाखा का भी कर बैठे। लेकिन किसी किसी को हो गया, कई कारण होते हैं इसके। कुछ तो लोगों को वेदों से, वैदिक कर्मों से संपर्क छूट गया, नहीं तो रोज संध्या करेगा तो रोज ही अपनी शाखा का, गोत्र का, प्रवर का उच्चारण करेगा तो फिर कैसे विस्मरण हो जाएगा? और अपने पुत्रों को भी उपनयन करा करके उनको भी सिखाना है तो फिर आगे चलेगा ही। परंतु जिनको नहीं पता है किसी कारणवशात, तो देखें। अथ स्वगोत्रा ज्ञाने, अब ये लिख रहे हैं तृतीय परिच्छेद के पूर्वार्ध में कि अथ स्वगोत्रा ज्ञाने, जिनको अब बतला रहे हैं कि जिनको अपना गोत्र ज्ञान न हो, नहीं है, अपना गोत्र ज्ञान न होने पर उपनयने आचार्यस तद गोत्र प्रवरई एव कर्माणि विवाह विवाहौ चेति आचार्य गोत्रान एतु। आचार्य गोत्रान एतु, बोले कि जिनको अपना ज्ञान नहीं है वे उपनयन में आचार्य के गोत्र को ले ले। उपनयन हो रहा है, अपना गोत्र नहीं पता है तो उपनयन के समय पे जो आचार्य का गोत्र है, जिन्होंने उपनयन कराया है, वे जो आपका यज्ञोपवी संस्कार करवाया है, तो उन आचार्य का जो गोत्र प्रवर शाखा है वही गोत्र प्रवर वेद की शाखा इत्यादि को ग्रहण कर ले। गोत्र प्रवर ही एव विवाह अविवाह,
अगर विवाह इत्यादि में भी और जगह भी उसी गोत्र का प्रयोग किया जाएगा, चाहे उसका विवाह हुआ है या नहीं हुआ है। तो विवाह इत्यादि माता पिता करके चले गए, तब उस समय उसको जो है पता नहीं था कि हमारा किस गोत्र से कैसे विवाह हो गया। अब वो गोत्र चाहता है, ऐसे भी लोग हैं, तब भी वो जिसने जिन्होंने जिन गुरुजनों ने आचार्य ने आपका उपनयन किया था तो उनका गोत्र प्रवर आप ले सकते हैं। ये कहना का था, कहने का तात्पर्य। देखिए, स्वगोत्र ज्ञाने उपनयने आचार्यः तद गोत्र प्रवरैहि एव कर्माणि विवाह अविवाहौ चेति। ये तक बात बनी। अपने आचार्य का ही गोत्र प्रवर शाखा इत्यादि सब ले ले, विवाह हो उसका या ना हो आचार्य का ही गोत्र ले ले। अब कह रहे हैं कि आचार्य को भी अपना नहीं पता हो तो आचार्य गोत्र अज्ञाने तो, आचार्य को भी गोत्र अपना ज्ञान नहीं हो तो, या आचार्य का गोत्र ही हमको नहीं पता, आचार्य जी अब नहीं रहे और अब उसको जरूरत पड़ रही है, अब नहीं पता है, तो अब आचार्य का भी अपने पिता का भी गोत्र, अपना गोत्र भी भूल जाए, आचार्य का भी भूल जाए, उनका भी किसी भी प्रकार से पता न लग पाए तो क्या करे। तो उसके लिए भी देखिए समाधान दिया है कि दत्वात्मानम तो कस्मैचित गोत्र प्रवरो भवे। जिस किसी को परंपरा से, जिस किसी विद्वान को, आचार्य को परंपरा से अपना वेद शाखा शिखा गोत्र प्रवर आदि का ज्ञान हो, ऐसे सदाचारी आचार्य को अपने शरीर का दान करे, आत्मदान कर देवे, अपने आप को उनको दे देवे कि मैं आपको अपना दान करता हूं, आत्मदान लिखा हुआ है। देखिए, दत्वात्मानम, आत्मानम दत्वा, अपने आप को दे करके किसी आचार्य को, और गोत्र प्रवरो भवे, और उनका गोत्र प्रवर ले ले वे। फिर उनका जो गोत्र होगा तो वो ही गोत्र प्रवर शाखा शिखा वो ही आप अपना ग्रहण कर सकते हैं। यहां तक शास्त्रों ने बतलाया है। जिस किसी को अपने गोत्र का ज्ञान नहीं है, ऐसा भी है कि वो कश्यप गोत्र बोल सकता है, वो अपना कश्यप गोत्र बोले संध्या इत्यादि में, ये भी है। तो अपना जिसको ज्ञान नहीं है अपना गोत्र, वो अपने आचार्य का गोत्र ले ले, आचार्य का भी गोत्र ज्ञान नहीं हो या आचार्य को ही ज्ञान नहीं हो, आजकल तो ऐसा भी है, तो फिर किसी आचार्य को, किन्हीं आचार्यों को जो सदाचार संपन्न हो तो उनको अपना पता हो, नहीं तो जिस किसी को दे दिया उसको भी नहीं पता था तो फिर बिगड़ जाएगी बात, उसको अपना पता हो तो अपने आप को उनको दे करके और उनका गोत्र ग्रहण किया जा सकता है। ये बात है, यहां तक का शास्त्रों में हमारे लिए देखिए निर्देशन करके, और पहले से ही आचार्यों ने व्यवस्था बना दी है। तो इसलिए अपने गोत्र प्रवर का स्मरण जरूर रखें, और जिनको नहीं पता है तो वे ऐसी व्यवस्था करके, ये व्यवस्था भी शास्त्रीय है, इसका परिपालन करके और अपना गोत्र इत्यादि चलाएं। धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में ही लिखा हुआ है, ध्यान देना, कि क्षत्रिय और वैश्यों के गोत्र पृथक नहीं है। इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे एक अलग, क्षत्रिय और वैश्यों के गोत्र किस प्रकार के हैं इसके बारे में भी आप सुने, ये अगले वीडियो में आप सुन सकते हैं कि उनके गोत्र क्या, उनको भी नहीं पता है तो ये व्यवस्था तो उनकी है ही, और खास रूप से एक व्यवस्था और है वो हम उनको बतलाएंगे। हर हर महा